हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है 24th of December 2023 और 7 डेज बचे हैं इस साल को ख़त्म होने में। तो हमने सोचा आज अगर संडे है तो कुछ तो हमें करना चाहिए और जाके देख कर आना चाहिए कि क्रिसमस सेलिब्रेट बाकी जगहों पे कैसे हो रहा है। तो अगर आप कर्ली टेल्स को फॉलो करते हैं तो उनके इंस्टाग्राम पेज पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था कि एक मैगी और मोमो फेस्टिवल है नोएडा में गौर सिटी मॉल में, जहाँ पे आपको 30+ वैरायटीज़ ऑफ मोमो एंड मैगी मिलेगी। तो आज हम लोगों का प्लान है कि आज वहाँ पर जाएंगे। उसके टाइमिंग्स वैसे 12 बजे से लेकर 10 बजे तक के रात की, यानी दोपहर 12 से रात के 10 बजे तक। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आज शायद, विच इज़ ऑन 24, सो आज काम में जानी आने वाली है शायद वहाँ पे 4 बजे के बाद। लेट्स सी वो कब आती है, और अगर उससे मिलना होता है तो आपको भी डेफिनेटली मिलवाएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और उसके बाद हमारी सोसाइटी में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन है और उसकी प्रिपरेशन पाथ में चल रही है। तो सबसे पहले मैं और पापा जाते हैं, जाके देख कर आते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन हो रही हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं और आज क्रिसमस सेलिब्रेशन और क्रिसमस ईव देखते हैं कि कैसे मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारी सोसाइटी का पार्क, और अभी ये गेट्स खुले हुए हैं क्योंकि प्रिपरेशन वगैरह हो रही है। एंड यहाँ पे शॉपिंग स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, फन राइड्स, कैमल राइड, लाइव सांता होंगे, क्रिसमस ट्री, लाइव डीजे और बहुत कुछ ही होगा। और यहाँ पे अभी प्रिपरेशन चल रही है। 252 में कि हम बाहर आ गए हैं और अब आप देख सकते हैं। यहाँ पे झूले लग रहे हैं, ये वाला झूला मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इतनी चिंतक से मैं इसको, तेरे को डर लगता है इनसे? इससे बड़े बड़े झूले आपको घर में कोलंबस में हमने झूला हुआ है। कोलंबस नक्श भी यही है, नक्श भी यही है। अभी तो हम सूत कर रहा है तो हम नक्श शुक्ला से अभी बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे फूड स्टॉल्स और शॉपिंग स्टॉल्स का वो लग रहा है, साथ में चेयर्स वगैरह भी हैं। और यहाँ पे नक्श शुक्ला भी है, ये डिब्बे के पीछे नक्श शुक्ला है, डिब्बे के पीछे नक्श शुक्ला है ये। तो हमें यहाँ पे नक्श शुक्ला भी मिल रहे हैं। और उस साइड, इस साइड पे शॉपिंग वाला, उस साइड पे खाने का लगेगा। और वहाँ पे सामने डीजे लग रहा है। नक्श किसके साथ आए हो? हेलो बेबी, नहीं तो वहाँ सामने लग रहा है डीजे और उसके साथ का स्टेज। अब ये नहीं पता कि यहाँ पे POC कौन है, बाकी सारे यहाँ पे ले रहे हैं धूप और सामान वगैरह इनका रखा हुआ है सबका। और वहाँ पे अंकल जी के पीछे जो कैमल बैठा है वो इसीलिए बैठा है क्योंकि आज यहाँ पे कैमल राइड भी होगी। आई थिंक लास्ट टाइम भी हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अभी तो ये प्रिपरेशन है, दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है। टाइमिंग नहीं पता किस टाइम से है। 4 PM onwards. इट्स फ्रॉम 4 PM onwards, ओके। और वहाँ पे भी 4 PM onwards का है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इट्स From 3 PM onwards. This is from 3 PM onwards. It's already 3:21, so there is no 3 PM onwards वाला concept. तो मुझे 4 बजे भी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है 5 बजे या 5:30-6 बजे करीब स्टार्ट होगा। फिलहाल हम घर पे चलते हैं और थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग गौर सिटी मॉल के लिए। ओके और पापा ने सेम स्वेटशर्ट पहन रखी है। अगर आपने वो वीडियो देखी टाटा ऑल रोज वाली, दोनों वीडियोस, उसके बाद ही पापा ने फिर से सेम स्वेटशर्ट पहनी है। मैं पूछ रहा था इससे कि आंटी कुछ है तो बता देनी तो मैं चेंज करूँ। नाइस, चलो अब घर चलते हैं अपन। 1000 years later. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग हैं पार्किंग में और हम हैं गौर सिटी मॉल की पार्किंग में। और जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं मोमो फेस्टिवल में, तो हम लोग आ गए हैं मोमो फेस्टिवल में। चलते हैं, टाइम अभी पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट हैव वॉच। कैन समवन प्लीज टेल दी टाइम? मम्मी का जादू, 5:35 PM। हाँ, 45 मिनट्स हो चुके हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक और लोग बीच में जो घुसते हैं ना, अपनी गाड़ी जो बीच में घुसाते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता कभी भी ज़िंदगी में।
ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतने लोग आए हुए हैं गौर सिटी मॉल में। बट बाकी लेट्स सी, फिलहाल चलते हैं। एंड हियर इज गौर सिटी मॉल, सामने लिखा हुआ है सीजन ग्रीटिंग्स। यहाँ पे बंजी जंपिंग हो रही है। यहाँ से राइट हैंड साइड में तो जो सामान मिलता है वो है, दिस इज द मैगी एंड मोमो फेस्टिवल जो कि इस साइड पे है। वेट लिस्ट भी है। चलो 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 चलो, एंड हियर कम्स द ऑल द भीड़ एंड एवरीथिंग। दीज आर द टेस्टी बाइट, बिस्ट्रो, मैगी, मोमोज, किड्स प्ले। सभी कुछ है। अब हम आ गए हैं गौर सिटी मॉल के अंदर एंड दिस इज द डेकोरेशन। यहाँ पे भी क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री के पास कुछ कॉन्सर्ट वगैरह भी हो रहा था जो कि अभी नहीं हो रहा है, लोग तो बैठे बट हो नहीं रहा है। हम भी अब यहाँ से बस निकल रहे हैं अपनी सोसाइटी की पार्टी के लिए और बहुत ही भीड़ है। सीजन्स ग्रीटिंग्स। तो अभी अभी हम लोग पहुंचे थे गौर सिटी मॉल, अभी आपको ये दिख ही रहा है, हम उसकी पार्किंग पे ही खड़े हैं। और अब हम वापस के लिए घर के लिए निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग रुके हैं यहाँ पे बस गिनती के 5 मिनट। करा हमने कुछ नहीं, सिर्फ देखा कि क्या फेस्टिवल है, मोमो खाए थोड़े से, अंदर गए, अंदर की हमने डेकोरेशन देखी, डेकोर देखा पूरा और वापस हम लोग आ गए क्योंकि हमें पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि MC स्क्वायर और DJ इमॉर्टल ने भी आना है। MC स्क्वायर का टाइम था 5:15 का और उनका टाइम था 5:45 का। आई डोंट नो अब लोग वहाँ पे किसका वेट कर रहे थे, DJ इमॉर्टल का या फिर MC स्क्वायर का। तो वहाँ पे अब भीड़ लगने लगी है और उसके बाद कर्ली टेल से भी एक लड़की, मेरे को नाम नहीं याद, वो 7:15 का उसका मीट एंड ग्रीट है यहीं पर ही गौर सिटी मॉल में। तो अब भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी, प्लस ट्रैफिक बहुत क्रेजी है। तो वी प्रेफर्ड कि हम जाते हैं अपने घर, वहाँ जो हमारी सोसाइटी में सेलिब्रेशन होना है और जो सांता आएगा शायद, तो सांता से भी मिलना है। तो हम अपने घर जा रहे हैं अब, तो आपसे अब हम घर पे उस सेलिब्रेशन में मिलते हैं। 6 बज गए, हो 6 बज गए, फिर भी चलते हैं घर पे। भाई मेरे पीछे नहीं आने का, हाँ उसी के पास जाओ, उसी के पास, हम नहीं जानते उन्हें। तो हम अपनी सोसाइटी के उस पर पहुंच चुके हैं, कॉपीराइट आ जाएगा बट कोई बात नहीं। तो हम लोग वापस घर आ चुके हैं क्रिसमस ईव मना के, यानी कि थोड़ा बहुत गौर सिटी मॉल में और थोड़ा बहुत अपनी सोसाइटी में हम लोग देख के कि कैसे क्रिसमस ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या क्या क्या इन्होंने डेकोरेशंस करी हैं वो देख के हम लोग वापस आ चुके हैं। सोसाइटी वाले उसमें सेलिब्रेशन में हम ज़्यादा देर नहीं रुके, जितना आपको दिखाया बस उतनी ही देर रुके क्योंकि मुझे ये लगता है कि सोसाइटी में जो स्टॉल्स लगते हैं, चाहे वो खाने के स्टॉल्स हो या फिर कोई गेम्स की हो या फिर शॉपिंग की हो, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एंड कोई मतलब आई डोंट थिंक कि वो उतना वर्थ होता है कि हम उतने पैसे उस पर खर्च करें। तो आई डोंट प्रेफर, मैंने प्रेफर नहीं किया कि वहाँ पे कुछ खाएं। तो हम लोग ऊपर आ गए थे, हमने ऊपर अपने घर पे खाना खा लिया था
और अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया था। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपने अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया, जाए वो क्रिसमस ईव हो या 25th हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी क्रिसमस एवरीवन एंड बाय बाय। इस साल के आखिरी वीडियो में मिलेंगे आप। बाय।